जय हिंद विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। आज हमने आप लोगों को जो है दो सीरीज़ दे दिया है। अब हम लोग सीरीज नंबर 21 पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें जो है बेसिक क्वेश्चन हैं, हीट के ही सवाल हैं। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। श्वेत त्वचा के व्यक्ति की तुलना में काले त्वचा का व्यक्ति अनुभव करता है। तो ब्लैक बॉडी से रिलेटेड ये सवाल है। जो काले त्वचा के व्यक्ति होते हैं वो उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, गुड एब्जॉर्बर होते हैं, और किरचॉफ का नियम कहता है कि जो गुड रेडिएटर हो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो गुड रेडिएटर होते हैं। तो इसलिए काले त्वचा के व्यक्ति जो है ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं, क्योंकि ये हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और ये ज़्यादा सर्दी क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि ये उतने ही अच्छे रेडिएटर होते हैं, ये हीट जो है रेडिएट करते हैं। ठीक है, तो श्वेत त्वचा के व्यक्ति की तुलना में काले त्वचा का व्यक्ति अनुभव करता है, अधिक गर्मी भी महसूस करेगा क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर होगा, और जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो गुड रेडिएटर होते हैं। तो अधिक गर्मी और अधिक सर्दी, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। मोर हीट एंड मोर कोल्ड, अधिक गर्मी और अधिक सर्दी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस सीरीज में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बेसिक है। बेसिक का मतलब जो हमेशा आप लोगों को याद रहना है सारी चीज़ें जो है। यहाँ पर कोई सॉल्विंग वाले सवाल नहीं हैं, बेसिक हैं, तो इनको आपको क्लियर रखना है कि क्या है। अ बॉडी विच इमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ इज नोन एज, वह वस्तु जो सभी संभव तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को उत्सर्जित करती है। अब देखिए जो बॉडी जो है सभी संभव तरंग दैर्ध्य को एब्जॉर्ब करती होगी, सभी तरंग दैर्ध्य के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती होगी, वही तो रेडिएट करेगी। तो कौन सी ऐसी वस्तु है जो सभी पॉसिबल वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है? उसका नाम है ब्लैक बॉडी। इसका मतलब जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है अगर वो एब्जॉर्ब करती है तो वो उतना ही अच्छा रेडिएटर भी होगा। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, पूर्ण कृष्णपिंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बीन्स डिस्प्लेसमेंट ला दिया गया है। बीन का विस्थापन नियम क्या होता है कि मैक्सिमम एनर्जी से एसोसिएटेड वेवलेंथ जो होता है, लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, यम का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, अधिकतम तरंग अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य, अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य वस्तु के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी, कैपिटल टी का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन, इसे जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो हम लोग जो है बीन्स डिस्प्लेसमेंट ला को ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा एम इंटू टी बराबर होगा कॉन्स्टेंट। तो ऑप्शन को आप लोग देखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, लैम्डा एम इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट। मतलब यह है कि टेम्परेचर अगर कम है, टेम्परेचर कम है तो जो रेडिएशन होगी उसका वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा। कोई भी वस्तु लो टेम्परेचर पर हाई वेवलेंथ के रेडिएशन को इमिट करती है, और हाई टेम्परेचर पर अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम। कम वेवलेंथ की भी रेडिएशन इमिट होने लगते हैं। टेम्परेचर हाई वेवलेंथ कम, टेम्परेचर लो वेवलेंथ हाई। अगर लोहे के एक एग्जांपल है, अगर लोहे के टुकड़े को गर्म किया जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आयरन के टुकड़े को गर्म करते हैं तो सबसे पहले लोहे का टुकड़ा लाल हो जाता है। स्टार्टिंग में जो है जब उसको गर्म किया जाता है तो स्टार्टिंग में रेड हो जाता है। क्यों रेड हो जाता है? क्योंकि बिबग्योर के अनुसार, जो बिबग्योर आप लोग जानते हैं श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, बिबग्योर, इससे जो है रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो लोहे का टुकड़ा पहले कम टेम्परेचर पर होता है, जब कम टेम्परेचर पर होता है तो वेवलेंथ ज़्यादा, मतलब जो भी रेडिएशन इमिट होंगे उसका वेवलेंथ ज़्यादा, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है इसलिए पहले रेड होता है। इसके बाद जैसे जैसे वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे छोटे वेवलेंथ की भी रेडिएशन इमिट होती जाती है, और बाद में क्या होता है
जब सारे वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट हो जाती हैं तो सब मिल करके वाइट हो जाती हैं। तो अगर हाई टेम्परेचर सवाल में लिखा हो, यदि किसी लोहे के टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो ये कैसा रंग, किस रंग का दिखाई पड़ेगा, तो आप आंसर टिक करना वाइट, श्वेत हो जाएगा, क्योंकि सभी वेवलेंथ के थर्मल रेडिएशन इमिट होने लगेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको बेसिक क्लियर कर दिया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, क्योंकि आगे क्वेश्चन मिल सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चमकते तारे का रंग दर्शाता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो है तारों का रंग क्या शो करता है। रंग का संबंध वेवलेंथ से है, कलर का संबंध वेवलेंथ से है, और वेवलेंथ का संबंध टेम्परेचर से है। आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा कि जो रंग होता है, अलग अलग रंग का जो वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो अगर रंग का संबंध तरंग दैर्ध्य से है, और बीन का विस्थापन नियम कहता है कि वेवलेंथ का संबंध टेम्परेचर से है, क्योंकि लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं चमकते तारे का रंग क्या दर्शाएगा, उसके टेम्परेचर को जो है दर्शाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर। अब देखो ब्लैक बॉडी की बात की गई है, ब्लैक बॉडी ये तो सभी वेवलेंथ के रेडिएशन को इमिट कर सकता है, सभी को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन हाई टेम्परेचर यहाँ लिखा, देखिएगा हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है कि सारे वेवलेंथ के रेडिएशन जब इमिट होंगे तो ओवरऑल क्या होगा, बाद में वाइट हो जाएगी, श्वेत दिखाई पड़ेगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना आप लोग, 2000 केल्विन ताप पर एक कृष्णिका, ये कृष्णिका है, 2000 केल्विन टेम्परेचर है, तो ये लैम्डा 1 लिख लो, लैम्डा 1 बराबर 2000 केल्विन। कृष्णिका से उत्सर्जित मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम, ठीक है, सॉरी ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T1 है 2000 केल्विन, और ये वेवलेंथ लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा एम लिख लो, टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 2000 केल्विन, और जो है वेवलेंथ लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा एम, और यहाँ पर टेम्परेचर 300 लिखा हुआ, बट ये 300 नहीं है, 3000 है, यहाँ पर इंग्लिश में जो है रॉन्ग है, यहाँ पर हिंदी में सही है, के लिखना है केल्विन। इसका मतलब T2 इज इक्वल टू दिया गया 3000 केल्विन, ठीक है, और हमको वेवलेंथ बताना है, लैम्डा 2 बताना है। तो बीन का विस्थापन नियम लगाइए, क्या होता है, λm × T बराबर कॉन्स्टेंट, मतलब λ1 × T1 बराबर क्या हो जाएगा, λ2 × T2 हो जाएगा। तो λ1 का मान कितना है, λm, T1 का मान कितना है, 2000 बराबर λ2, λ2 हमको फाइंड आउट करना है, T2 कितना है, 3000, तो ये 3 0 थे, 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो λ2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो 2/3 λm, 2/3 λm, इसका मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। सेवन नंबर सवाल है, सूर्य के पृष्ठीय ताप, देखो ये भी जनरल क्वेश्चन है, ये लगभग 6000 केल्विन होता है, ठीक है, 6000 केल्विन याद रखिएगा, और अगर सूर्य के जो है सेंट्रल कोर का टेम्परेचर पूछा जाए तो 10^7 केल्विन होता है। अगर पूछा जाए सूर्य का ताप मापा किसे जाता है, तो इसको याद रखना पायरोमीटर से मापा जाता है, जो एडिशनल सवाल है इनको नोट कर लीजिए, पायरोमीटर, उत्तापमापी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में पायरोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 5800 केल्विन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्णतः कृष्णपिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा समानुपाती होती आदर्श गैस स्केल के ताप पर, मतलब परम ताप में बताना है। तो आप लोगों को स्टीफन्स ला मालूम होना चाहिए कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है, ठीक है, ये टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। यहाँ पर ऑप्शन को पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जो है, पहला ऑप्शन है टेम्परेचर के, ये गलत लिखा है, परम ताप के चतुर्थ मूल के अंडर रूट, यहाँ पर फोर्थ मूल तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं, ये भी गलत लिखा हुआ है, और नेक्स्ट ऑप्शन है चतुर्थ घात के, इसका मतलब T⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्शन सी सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
किसी कृष्णपिंड से ऊष्मा विकिरण की दर ई वाट पर मीटर स्क्वायर है, मतलब पहले रेडिएंट एनर्जी दी गई है और टेम्परेचर उस समय दिया गया टी केल्विन, टेम्परेचर आधा कर दिया गया टी बाई टू, तो रेडिएंट एनर्जी पूछा गया है, तो आपको स्टीफन्स ला याद होना चाहिए, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर फोर। अगर टेम्परेचर आधा कर दिया गया टी बाई टू, तो वन बाई टू का पावर फोर कितना हो जाएगा, वन बाई टू की पावर फोर वन बाई सोलह। इसका मतलब पहले रेडिएंट एनर्जी ई थी, तो अब ई का वन बाई सोलह हो जाएगा, ई का वन बाई सोलह कितना होगा, ई बाई सोलह। इसका मतलब नाइन का ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर टेन। जो क्वेश्चन नंबर टेन है, इसमें कहा जा रहा है कि न्यूटन का शीतलन नियम किसका विशेष नियम है या विशेष रूप किसका है। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, किसी भी वस्तु के ठंडे होने की दर, रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, ये जो डेरिवेशन होता है ये स्टीफन्स लॉ से आता है। इसका मतलब ये है कि ये स्टीफन के नियम का एक विशेष रूप है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। बाकी जो है ये सीरीज हम आपको दे रहे हैं, और रात में भी एक सीरीज हम आपको देंगे, वो हीट से ही संबंधित सीरीज होगी। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और जो है सब्सक्राइब